मुला नसू नील बहुदे क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं क्या कर रही है? आप ही बोला, आपके विजयनगर में कपड़ों की कीमत इंसान से ज्यादा है, इसके वजह से हम आपके और आपके चेले के कपड़े की इज्जत करती है, डाल डाल कर उसकी इज्जत अफजाई करती है। अब वो आपकी जबान में क्या बोलती है उसको? हाँ, सम्मान करती है, सम्मान। हमारे स्वामी के वस्त्र भी उन्हीं के समान दिव्य हैं, हम भी उनका सम्मान करेंगे। आप ही हमारे लिए स्वामी हैं, आप ही देवता हैं, आप ही सब कुछ हैं हमारे लिए। स्वामी जी, स्वामी वरुण माला जी, ये क्या किया आपने? आपका सम्मान हो गया सम्मान, या और करना चाहती? जी पूर्ण हुआ, तो जाइए। जो आ गया। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपने हमारे वस्त्रों का सम्मान किया, बहुत अच्छा। अब हम आपके वस्त्रों का सम्मान करेंगे। ना 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 ना, जनाबे राजगुरु, आप ही बोली थी हमारा कपड़ा गंदा है, उस पे धूल जमा हुआ है, इसके बाद से आपके चेला लोग हमको भिखारी बोला था। तो आप हमारा इसका इज्जत मत करो, क्यों गंदा कपड़ा है। कलम ताजा कपड़ा पहन के आएगी, अच्छा कपड़ा पहन के आएगी, उसका इज्जत अफजाई करना आप। अभी हम देख रहे हैं आपका कपड़ा थोड़ा थोड़ा साफ दिख रहा है, वो दाल का कटोरी हमको तो हम इज्जत से आपका इज्जत अफजाई करेगा। जो नहीं अपना इज्जत खुद कर लिया। मोहतरमा, इतना लजीज खाना खिलाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया अदा करती। धन्यवाद राजगुरु, अब आपसे इजाजत चाहती, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। इजाजत छोटा। राजगुरु आपको क्या लगती, पंडित रामाकृष्णा हमारी पहेली का हल ढूंढ पाएगी? हम कैसे बता सकते मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। आपको भी क्या पता, नींद हो जाती, अभी हम जाती। शब्बा खैर। समझ में नहीं आया मुझे। शब्बा ढेर, शब्बा कौन था जो ढेर हो गया? कुछ भी हो मनी, देख गुरु जी को ना, देख देख कर ही हंसी आ रही है मुझे तो। वाह, कितनी गहन निद्रा में सोए हम। ईश्वरी क्या कह रही थी, नित्य प्रातः उठकर व्यायाम किया कर। और वो देखो घंटी कुमार सलाह दे रहा था, लामा गधा पाल लेते हैं, गधा तो इकलौता ही पर्याप्त है, इस घर में एक ही गधे की आवश्यकता है। अब तो प्रतीत होता है तुक्कू राव जी ने जो सलाह दी है उस पर अमल करने की आवश्यकता है। मैं अवकाश लेकर अकेला ही किसी रमणीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़ता हूँ, इन सब से छुटकारा तो मिलेगा। ए बंधु! रामा तू किससे एकांत में बात कर रहा है, कोई देखेगा तो विक्षिप्त समझेगा, मुझे उठा दिया होता। तू चुप कर बंधु, मैं पहले से चिंतित हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय की पहेली कैसे सुलझाऊंगा, और इस चिंता में अनुवादन का कार्य भी अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा हूँ। उचित है रामा, मैं तुझे और व्यथित नहीं करता, तुझे एकांत में जिससे भी बात करनी है कर, बस किसी भी प्रकार मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली का हल खोज। हाँ हाँ तू सो जा।
महाराज ने जो अनुवाद करने का कार्य दिया है वही पूर्ण नहीं कर पा रहा हूँ। वर्षे सेठ राजा राम विजयनगर के इतिहास के संबंध में लिखने की सलाह दे रहे थे। सलाह सलाह सलाह, सब इतनी सलाह क्यों दे रहे हैं? बिन मांगे मिले जो चीज, करो पेश हमारे आगे और बन जाओ हमारे अजीज। और ध्यान रहे, आपको उस चीज को अपनी असलियत में रहते हुए ही पाना होगा, ये इस पहली की शर्त है। अपने व्यायाम करने सुबह का था तो लातली से आराम हो गया। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम। आदाब मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम। क्या बात है कोतवाल साहब, आज बहुत खुश दिखाई देती तुम। महोदय आपने जैसा उपाय बताया था मैंने वैसा ही किया, एकदम घर में शांति। क्या बात करती, चाह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जनाबे राजगुरु, कल हम आपके कपड़ों का इतना इज्जत अफजाई किया, वो कपड़ा उतार दी तुम, पहन के आती राज दरबार में सब देखती तो आपका सम्मान बढ़ जाती। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, हम पूछना भूल गए, हमें आशा है कि हमारे घर का भोजन आपके मन को भाया होगा। हाँ बहुत लजीज, बहुत लजीज। वो अपने पंडित रामाकृष्णा जी और महाराज जी आए नहीं? मुल्ला नसरुद्दीन जी वो तो महाराज महाराज ही है ना, वो कभी भी आए कभी भी जाए, उन्हें कौन रोक सकता है। अब रही बात पंडित रामाकृष्णा की, पंडित रामाकृष्णा तो सदैव दरबार में विलंब से आते हैं, महाराज के मुंह जो लगे हैं इसलिए अनुचित लाभ उठाते हैं। हमारा एक राय है राजगुरु, आप भी महाराज के मुंह लग जाइए, कोई मनाही थोड़ी ना है। हम कैसे महाराज के मुंह लगे, वो जो पंडित रामाकृष्णा हमको अवसर ही नहीं देती देते। महाराज जो है वो सब समस्याओं का समाधान पंडित रामाकृष्णा से करवाते हैं। अच्छा, अब कई समस्याएं तो ऐसी होती हैं जो चुटकी बजाते ही पलक झपकते ही हम सुलझा सकते हैं, परंतु महाराज हमारी सहायता लेते ही नहीं, क्या करें। ओफ। हाँ महोदय, यदि महाराज मुझे आज्ञा दे तो मैं खुद सिद्ध कर सकता हूँ कि पंडित रामाकृष्णा से कम बुद्धिमान मैं नहीं हूँ। ऐसा बात है, परेशान मत हो, मैं आपके लिए महाराज जी से दरख्वास्त करूंगा। धन्यवाद। महाराज कृष्ण देव राय की, 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 महाराज कृष्ण देव राय की। आदा प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। हम उम्मीद करते हैं महाराज कि हमने जो पहली पूछा उसका आज हमको जवाब मिल जाएगी। जी जी, हम भी यही आशा करते हैं। आ गए आ गए। गुरुजी गुरुजी गुरुजी, वो देखिए पंडित रामाकृष्णा। इसे देरी से आए हैं तो हम क्या करें, नृत्य करें? महाराज तुझे कुछ कहते नहीं। प्रणाम महाराज। प्रणाम मुल्ला नसरुद्दीन महोदय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। महाराज वो मुल्ला नसरुद्दीन महोदय द्वारा पूछे गए प्रश्न का हल लाते लाते देरी हो गई।
तो आपको हल मिल गई, बिन मांगे पूछे जाने वाली चीज मिल गई। मिल गई मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, और इतनी मिली है कि पूरा थैला भर गया है। क्या बात करती है? हाँ आए वाह। हम भी देखती क्या मिला आपको इसमें। खोलो जल्दी खोलो, अभी दिखाता हूँ। अभी कह रहे थे थैला भर कर लाए हैं, अब ढूंढ रहे हैं। दिखाता हूँ गुरुवर। हाँ तो बताइए 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 बताइए। क्षमा करें, प्रातः से खांसी आ रही है। पंडित रामकृष्णा, हमारी सलाह मानिए, आप तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, इससे आपको तुरंत राहत मिल जाएगी। मैं बताता हूँ खांसी का रामबाण नुस्खा। पंडित रामकृष्ण जी, आप काली मिर्च को पीस के गुनगुने जल के साथ ग्रहण कर लीजिए, तुरंत आराम मिल जाएगा। सुनिए पंडित रामकृष्ण, आप एक कार्य कीजिए, हमारी सलाह मानिए, मधु ग्रहण कर लीजिए, जो आपकी खांसी है वो छो मंत्र हो जाएगी। गुनगुने जल के साथ ग्रहण कीजिए। पंडित रामकृष्ण, हमारी सलाह, हमारी सलाह मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह, हम कह रहे हैं ना तुलसी का काढ़ा। नहीं हम कह रहे हैं। अरे आप दोनों चुप रहिए, हम कह रहे हैं हमारी सलाह मानिए, आप मधु लीजिए। अरे हमारी सलाह है कि तुलसी का काढ़ा लीजिए। हाँ मंत्री जी, हमारी सलाह है कि आप मधु ले लीजिए। अरे समझ नहीं आ रहा, हमारी सलाह है कि आपको ये करना है, आप तीनों ले लीजिए। मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, आशा करता हूँ आपको बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है। बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु दिखाई दे रही है, कहाँ है? हमें तो कहीं दिखाई नहीं दे रही। पंडित रामकृष्णा, आप कहना क्या चाहते हैं, स्पष्ट कीजिए। जी महाराज, महाराज बिन मांगे दी जाने वाली वस्तु होती है सलाह। जो इस समय मंत्रीवर, गुरुवर और कोतवाल महोदय मुझे दे रहे थे, सलाह ही वो एक ऐसी वस्तु है जो बिन मांगे भरपूर मात्रा में मनुष्य को प्राप्त होती ही रहती है। क्यों मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, मैं सत्य कह रहा हूं ना? पंडित रामकृष्णा, तुम बहुत सच बोला, तुम जीत गया। वाह वाह, हमारा दिल खुश कर दिया, आज से तुम हमारा अजीज। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। अद बेमिसाल पंडित रामकृष्णा। रामा, तूने मेरी रक्षा की, तू ही मेरा सच्चा मित्र है। पंडित रामकृष्णा तो बहुत चालाक है, इस दफा और भी मुश्किल पहेली पूछता हूँ। आपने हमको बहुत खुश किया, हमारा अगली पहेली का जवाब तो तुम यूं ढूंढ लेगा, क्योंकि बहुत आसान पहेली है वो। अब मुल्ला नसीरुद्दीन महोदय, थोड़ा अल्प विश्राम का समय भी नहीं मिलेगा, कहे कि मुझे अनुवादन का महत्वपूर्ण कार्य समाप्त करना है। अफसोस रामकृष्णा, हमारा वक्त रुखसती आ गया है, हमको बगदाद जाना है, वरना आप कुछ मांगे हम ना दें, ऐसे कभी हो सकती है? नहीं हो सकती। अब हम हमारा दूसरा पहेली पूछती है, सब लोग गौर फरमाइए, ध्यान से सुनिए। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल। फिर से दोहराती है पहली। आपके शहर में है हमारा हमशक्ल, ढूंढो उसे लगाकर अपनी अकल।
आसान है। सोचो सोचो। हम शकल अकल, एक तो ऐसी उलझी हुई पहेली, वो भी विदेशी भाषा में। हमारे ज्ञानी गुरु जी कहे तो ऐसे रहे हैं जैसे कि हिंदी में होता तो तुरंत बता देते। क्या हुआ पंडित रामाकृष्णा, पहेली मुश्किल लगती है आपको? अरे क्या सोचती है, अकल के घोड़े दौड़ाओ, थकड़ा 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 दौड़ा दौड़ा। हम शकल अर्थात आपके जैसे चेहरे मोहरे वाले व्यक्ति। जी जनाब। विजयनगर में? जी जी। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय, आपके समान सूरत वाला व्यक्ति विजयनगर में वास्तव में है या काल्पनिक है? वास्तव में पंडित रामाकृष्णा, हम जब भी दरबार में आती जाती रोज देखती और वो हमारी नकल भी उतारती। अच्छा सुनो पंडित रामाकृष्णा, आपके पास कल तक का वक्त होती, कल तक ऐसा आदमी ढूंढ के लाना होगी। क्या हुआ रामा, किस सोच में डूब गया? बंधु ये दूसरी पहेली जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। क्यों सरल नहीं है? मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने स्वयं कहा है कि उनका हमशक्ल वास्तव में है, कोई कल्पना नहीं है, और जिसे वो दरबार आते जाते हुए देखते हैं। वही तो कठिन भाग है बंधु, इनके हमशक्ल को ढूंढना जो वास्तव में है, काल्पनिक नहीं है। रामा मुझे डरा मत। मैं क्या तुझे डराऊंगा, मैं तो स्वयं डरा हुआ हूँ। अगर तू भी डरेगा तो मेरे प्राण कौन बचाएगा? कुछ कर रामा, कुछ कर। करता हूँ करता हूँ, कल तक का समय है ना, तू शांत हो जा। प्रतीत होता है कि मुल्ला नसरुद्दीन महोदय अपने देश बगदाद मेरी चोटी और महाराज की मुझे अपने साथ ले जाकर ही रहेंगे। आप हमसे कुछ बोली? नहीं नहीं कुछ नहीं बोली, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, नहीं कुछ नहीं बोला। उचित है, हम आशा करते हैं कि कल प्रातः तक पंडित रामकृष्ण आपकी दी हुई पहेली का हल ढूंढ निकालेंगे। जी महाराज। एक क्षण रुकिए पंडित रामकृष्णा। महाराज पंडित रामकृष्णा ने अभी तक अनुवाद पूर्ण नहीं किया है। महाराज वो मैं शीघ्र पूर्ण कर दूंगा, अब विश्वास रखिए। वो क्या है ना पंडित रामकृष्णा, आप हमारे प्रिय हैं तो इसलिए हम आपको स्मरण करवा रहे थे। जी गुरुवर, मुझे ज्ञात है कि मैं आपका सबसे प्रिय हूँ, स्मरण कराने के लिए धन्यवाद, वो मैं शीघ्र पूर्ण कर लूंगा। जाने की अनुमति चाहता हूँ महाराज। अनुमति है पंडित रामकृष्ण। प्रणाम। प्रणाम गुरुवर। मुल्ला नसरुद्दीन महोदय की पहेली में अवश्य ही कोई गहरा अर्थ छुपा है। जितना गहरा उतरना है उतना गहरा उतर रामा, बस मुझे बचा ले। तू शांत हो जा बंधु, मैंने कहा ना मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देख मुल्ला नसरुद्दीन महोदय ने ये कहा था कि प्रतिदिन दरबार जाते हुए उनका हमशक्ल उन्हें मिलता है, तो सर्वप्रथम दरबार से सराय तक जहाँ वो रुके हैं एक चक्कर लगाते हैं। क्या पता मार्ग में कोई संकेत या कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो इस पहेली को सुलझाने में सहायक हो।